नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे फोन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, ऊपर से सीधा निशान लगा लिया। सीधा निशान लगाने के बाद हम क्या करें, मेजरमेंट देखें। मेजरमेंट बीमारी इस मेजरमेंट टेप को ऊपर जो लाइन में रखा है उस पर 1 इंच वो उठा के लगा देना है। लंबाई का लंबाई जितनी है उतनी ही लगाना है। इसी टेप को आगे पकड़ के रखेंगे और हमारा जो 42 पे ये निशान लगा देना है। ये मार्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे। से उस पूरा मार्क, दोनों मार्कों को स्ट्रेट कर देते हैं। स्ट्रेट करने के बाद हम जो नीचे का फोल्ड लेते हैं पैंट का, ये 3/4 का निशान लगा लेना है। जो 3/4 भी लगा सकते हो और 2.5 भी लगा सकते हो। हमने ये दोनों 3/4 का लगा लिया। इसको भी हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। ये दोनों मार्कों को स्ट्रेट कर लिया है। इस प्रकार से आपको स्ट्रेट कर लेना है। अभी गिदरी का लगाएंगे। गिदरी हमारी 27 इंच, 27 का हम 10 इंच का गिदरी का डाउन कर लेते हैं। ये मार्क लगा दिया 10 इंच का ही, हम आगे की साइड में एक मार्क और लगा देते हैं। अब इस निशान को भी हम मार्क को भी सीधा कर लेना है। इन दोनों मार्कों को सीधा कर लेना है। इस प्रकार से सीधा कर लेना है। अभी हमारे जो पट है 29 इंच है, तो हम लेंगे आगे का पार्ट कम लेंगे तो 13 इंच लेंगे। तेरे को अंदर की साइड में 1.5 या 2 इंच अब ले लेना है इस प्रकार से। और अभी हमारे हम क्या करेंगे, फट्टी को लेंगे। फट्टी उल्टी करके फट्टी को ऊपर की साइड में घुमा के उल्टी करके फट्टी को लगा देना है और अंदर की साइड में इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और हम लेंगे आगे का फ्रंट फेस हमारे कमरे 41 है, 1.5 ले लेना है। 1 इंच या 1.25 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस प्रकार से ले लेना है। और हम फट्टी को इस प्रकार से रखेंगे और इसको ऐसे करके थोड़ा तिरछा रख लेना है। इसको इस प्रकार से निशान लगा देना है। इसको क्रॉसिंग कर देना है। इस प्रकार से हल्की गोलाई देते हुए इस प्रकार से गोलाई दे देनी है। ये हमारा जिप का हो गया। ये आप आगे थोड़ा सा डाउन कर देना है और पीछे वाली पट्टी को उठा देना है। इस प्रकार से निशान लगा लेना है, ताकि जो आगे से पेंट है उसकी जो लबिंग आती है वो ना आए। अब हम घुटने का निशान 18 इंच पर लगाएंगे और इसको स्ट्रेट कर देते हैं। इस प्रकार से गुणिया हो इसे स्ट्रेट करते हो और फटी स्ट्रेट और इसको सीधा कर लेना। अब हमारा 13 इंच लिया था, तो 7.5 या 6.5 हम ले लेते हैं। इस प्रकार से 13 इंच का 6.5। और अब हमारी मोरी है 14.5 इंच। 14.5 का आधा करोगे, आधा से आधा हम बीच में रखेंगे। लगभग ये 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है इस प्रकार से। और ये हम घुटने का है हमारा, है घुटना हमारा 19 इंच है, तो 19 को हम 20 सेंटर हाफ करेंगे, आधा करके इस प्रकार से 19 पे निशान लगा देना है। ये थोड़ा सा इस प्रकार से, ये 19 यहाँ आएगा इस प्रकार से, आधा करके टेप को आप आधा करके रख ले सकते हैं। इस प्रकार से आधा करके लगा देना। और इसको नीचे और घुटने से नीचे नीचे का हम क्या करें, सीधी फट्टी से लगा लें। गुणिया और गुणिया से लगा सकते हैं, नीचे आप सीधी फट्टी से भी लगा सकते हो। किस प्रकार से दोनों साइड में हम नीचे से सीधा रखेंगे इस प्रकार से। जो ऊपर वाला भाग है हम इससे हम जो गुलाई वाली फट्टी है उसको यूज़ करेंगे। इस प्रकार से जो भार वाला भाग है उससे यूज़ कर लेना है। अंदर वाला गोलाई ज़्यादा होती है, बाहर वाले में कम होती है, इसलिए इसको कम गोलाई करते हैं। क्योंकि हमने जो फ्रंट पार्ट है उसको कम कटिंग किया है, कम लिया है। इस प्रकार से कमरे के हिसाब से ये होगा हमारा। इस प्रकार की उल्टी पट्टी करके इसी प्रकार से रख रहे हैं, ऐसे हम फट्टी से निशान लगा लें। अब जो हमारा थोड़ा सा हल्का सा कोना से निकला है, इसको सही करने के लिए हम क्या करें, फट्टी को ऊपर से नीचे तक इस प्रकार से लगाएंगे और इसे ऐसे निशान लगा लेंगे, ताकि ये जो हिप की साइड में थोड़ा सा लबिंग सा आता वो ना आए। इस प्रकार से कर लेना। नीचे में हम उल्टी फट्टी इसलिए लगाते हैं, ताकि जो फोल्डिंग करेंगे तो ऊपर वाले भाग में टच आराम से हो जाए। ये हमारा 41 कमर है, हमने लिया था 10.5। ये हम लिख लेते हैं इस प्रकार से, ताकि हमको याद रहे। पट हमारा 29 इंच, हमने 29 बताया, 13 लिया, तो जो बढ़ा हुआ है इसे हम बैक साइड में ले लेते हैं। ये घुटना 19 है, अरे ये हमारा 14.5। ये हम इसलिए लिखते ताकि हमको याद रहे। इस प्रकार से ये अब हम क्या करते थे, इसको कटिंग कर देते हैं।
प्रकार से कटिंग कर लेना। हम कटिंग हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया, अभी हम करके इसको कपड़े को सेट कर लेना है। इस प्रकार से जो ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना, नीचे वाला हिस्से को ऊपर कर देना है। इस प्रकार से टेबल पर सेट कर लेना। और अब वो फ्रंट पार्ट उठा के इस पर रख लेते हैं और इस तरह से सेट कर लेना है। और जो हमने निशान लगाए थे, इस निशान को हम क्या करें, आगे साइड बढ़ा देते हैं, नीचे वाले कपड़े में आगे साइड बढ़ा देना है। थोड़ा सा इसमें नीचे ले लेना है, एक पैर काफ़ी है। इसको आगे बढ़ा देते हैं, इस मार्क को भी आगे कर देते हैं, और जो ये मार्क है सभी को हम आगे कर देते हैं। इस प्रकार से नीचे वाले कपड़े पर उतार लेना है मार्क को। इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, हम जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें एक पैर आगे की साइड में बढ़ा के ले लेना है। इस प्रकार से बढ़ा के ले लेना है। ये हमारा कपड़ा नीचे की साइड में, इसलिए थोड़ा सा हमने हाथ से लगाया। ये हम जो 1.25 की हमारी फट्टी है, 1.5 इंच या 1.25 इंच ऊपर की साइड में उठा लेना है बैक साइड को। इस प्रकार यहाँ निशान लगाएंगे। अब हमारा 1/2 इंच फोल्डिंग में चल जाएगा। हमने 1.5 पे लिया था, ये 1.5 को रखेंगे इंची टेप को और 1.5 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि 41 × 1.5 होता है। तो हर हम ये ले लेंगे 1.5 इंच की प्लेट का, बैक साइड में जो प्लेट डालते हैं, और 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। अभी इस प्रकार अब यहाँ से हम लेंगे 13.5, क्यों 1/2 इंच मार्जिन का सिलाई में चला जाएगा। 13.5 क्योंकि 46 इंच हिप है, 23 × 2 = 10 इंच आगे वाला लेता है। इस प्रकार से हम क्या करें, फट्टी से दोनों को सीधा कर लेते हैं और इसको हम क्या करें, गुड़ाई दे देते हैं। इस प्रकार से ये नीचे वाले हिस्से में मिला देने, ये हमारे सिलाई की गुड़ाई है। और अब हम क्या करें, कटिंग दे देते हैं, साथ में ये कटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से ये ऊपर वाले जो हमने निशान लगाया था उस पर ले देना है, जो 1/2 इंच निशान सिलाई में चला जाता है। इस प्रकार से अभी हम क्या करेंगे, 1.25 पर, ये 2 या 1.25 पर यहाँ से निशान लगा देना है। 1.5 इंच का नीचे की साइड में निशान लगा लेना है। इस प्रकार से ये निशान को इस प्रकार से लगा लेना है। अब नीचे का वाला हिस्सा वही रहेगा, सीधा स्ट्रेट रखना है। इस प्रकार से कोई भी सीधी फट्टी से स्ट्रेट कर लेना, सीधा कर लेना है। इस प्रकार से सीधा कर लेना है, यह हमारा हो गया सीधा। इसमें मार्क लगा लिया। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हम जो गोलाई, गहरी गोलाई वाली फट्टी को यूज़ करेंगे। इस प्रकार से, या तो आप कम गोलाई वाली है उसको थोड़ा गहरा करके देख ले कर लेना, नहीं तो आपकी फट्टी पास जो गहराई वाली फट्टी है उसको यूज़ कर लेना। ये थोड़ा सा हम गोल कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि थोड़ा टग ना आए। इस प्रकार से ये हमारा पूरा निशान लग गया है। अब हम लगाएंगे जो पीछे साइड में जो प्लेट डलती है उसका, ये हम पहले गिदरी को नाप लेते हैं। पहले हमारी गिदरी 27 इंच है, इस प्रकार से नाप लेना है। ये हम इस प्रकार से नाप लेते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे आप 10 इंच लेगो 27 होगा, 10.5 लोगे तो 28 होगा, 11 लोगे तो 29 होगा। ये भी प्रोसीजर अच्छा है। यहाँ पर हम बैक साइड की प्लेट का लगा देते हैं। इस प्रकार से सेंटर ले लेते हैं, 4.25 इंच का, 4 इंच का, 4.25 का आप इसमें लगा लेना है। इस प्रकार से अभी हमारा पूरे निशान लग गए हैं। पॉकेट का आप लगा लेना है, सीधी पॉकेट लगाओ या तिरछी पॉकेट लगाओ। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसको कटिंग कर देते हैं। यह हमारा कटिंग हो गया। अब हम जिप का निशान 7.5 पर या हम गोलाई वाले हिस्से से लगा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।